रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सीकर एसीबी की टीम ने नागौर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीकर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने नागौर में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। कुचामन सिटी पालिका जेईएन कमलेश कुमार को ट्रैप किया गया है। नगर पालिका जेईएन कमलेश कुमार को 12,000 की रिश्वत लेते दबोचा गया है। कुचामन सिटी में कार्रवाई की गई है। सीकर एसीबी की टीम ने नागौर के कुचामन सिटी में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। कुचामन सिटी नगर पालिका जेईएन कमलेश कुमार को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते यहां पर ट्रैप किया गया है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए कुचामन सिटी से मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता विमल। विमल, क्या अपडेट है? 12,000 की रिश्वत ली गई है, किस मामले में ये रिश्वत ली गई? देखो आशीष, कुचामन सिटी में नगर पालिका में डेन के पद पर कार्यरत है कमलेश कुमार जी, जो कि ठेकेदार से चेक भुगतान को लेकर 12,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी जी, जिस पर ठेकेदार ने जयपुर एसीबी में 9 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी और उस शिकायत को लेकर सीकर से एसीबी की टीम जाकिर अख्तर के नेतृत्व में यहां पहुंची और जेएन कमलेश को 12,000 रुपए के रिश्वत में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है और अभी भी कार्रवाई जारी है। जी विमल, ये जो कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई में जिस प्रकार से 12,000 की कमीशन की रिश्वत लेते हुए यहां पर पकड़ा गया है नगरपालिका जेएन, तो क्या और उच्च अधिकारी भी इसमें शामिल है? हाँ, ये नगर पालिका पिछले काफी समय से भ्रष्टाचार के मामले में चर्चा के विषय रहा है और पहले भी कुछ साल पहले भी यहाँ पर एक जैन को गिरफ्तार किया गया था और आज भी एक कार्रवाई की गई है। माना जा रहा है कि उच्च अधिकारी भी इसमें लिप्त है, लेकिन नगर पालिका जब ये जब कार्रवाई थी उस समय नगर पालिका में ईओ मौजूद नहीं थे और चेयरमैन वाइस चेयरमैन तुरंत वहां से बाहर की तरफ चले गए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता विमल पारीख, जिन्होंने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने नगरपालिका जेईएन को रंगे हाथों रिश्वत देते धर दबोचा है।